कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ फ्राई टुकड़े की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अलग अंदाज में। ये देखिए, मैंने आधा किलो दूध ले लिया है, इसकी चाशनी बना लेंगे। ये मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है, चीनी आप अपने टेस्ट मुताबिक डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हो कम या ज़्यादा। और ये मैंने 6 ब्रेड लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, दूध को मैंने गैस पर रख दिया है और ये चीनी इसमें डाल देंगे, इसकी रबड़ी तैयार कर लेंगे। चाशनी को दूसरी साइड रख दिया है, अभी ब्रेड फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे, आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा काट सकते हैं, आप चाहें तो किनारे को निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने काट लिया इसको। बहुत ही जल्दी आसान बन जाती है। ये देखिए, ब्रेड को मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है गैस पर। ये देखिए, तेल अच्छे से हो गया है गरम, इस पर ब्रेड को फ्राई कर देंगे, गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लीजिए दोनों साइड से। ये देखिए, गोल्डन हो गया है, ये इसको निकाल देंगे, इसी तरह से सब फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। इसी तरह से सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड सब फ्राई हो चुकी है। बहुत ही कुरकुरी बनी हुई है। एक छोटी इलायची डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए। इसको अच्छे से चलाते रहिए साइड साइड से। इसमें थोड़ा फूड कलर डाल लेंगे, अगर आपके पास केसर हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मैं फिलहाल फूड कलर डाल रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, दूध को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया था, इसको पानी में भून लिया, चलाते हुए इसे मिला लें। ये देखिए, रबड़ी बन के हो चुकी है तैयार, इसको साइड में कर देंगे ठंडा होने के लिए। कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसमें एक ब्रेड डाल के इसको डिप करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, इसको साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए, मैंने सब ब्रेड को डिप कर लिया है, ऊपर से भी इसमें
अभी डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छा लग रहा है ये। इसको ड्राई फ्रूट से, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट उससे गार्निशिंग कर लीजिए। बहुत ही मज़े का बनता है ये और बहुत ही कम समय में बन जाता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मैंने सिल्वर पेपर ले लिया है चांदी वाला, इसको इसी में लगा। ये देखिए गार्निशिंग हो चुकी है। ये देखिए शाही टुकड़ा हो चुका है तैयार, बहुत ही मज़े का बना है। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझको दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।